HI 143 पर्यावरण के इतिहास, इसमें हमारा करेगा चैप्टर नंबर 4 क्या है, भारत में मध्यकालीन पर्यावरण के मुद्दे क्या हैं। इसमें जो मुद्दे लिखने रहेंगे, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करेंगे, कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो आपको आ सकता है। देखो, जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, प्राकृतिक आपदाएँ जो आपको बतानी, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, भारी हिमपात, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, भूमिका जैसे लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखनी पड़ेगी, हमें भूमिका लिखनी पड़ेगी, फिर कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आती थी, जैसे भाई मेरे बाढ़ आता था, सूखा आता था, भूकंप आता था, वर्षा, भारी वर्षा कई बार हो जाती थी, हिमपात, ये प्राकृतिक आपदाएं हुई। फिर उसके बाद क्या, हमारे जैसे वन्य जीव को लेकर के, वनस्पतियों को लेकर के, विदेशी जानवरों पौधों का आदान प्रदान होता, तो आपको भी पता होगा बहुत सारे जो विदेशी जानवरों पौधों को जो आदान प्रदान है, यहाँ पर कह सकते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में एक राजा दूसरे राजा को दे रहा है, इस प्रकार से विदेशी जानवरों का और पौधों का आदान प्रदान होता रहा है। शिकार और बंदी जानवर, पहले क्या था, जानवरों को बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता था, ठीक है। फिर मनुष्यों ने क्या किया, जानवरों को पालना शुरू किया, हम लोगों ने क्या किया भाई, उसको पालना शुरू किया ना, एक प्रकार से हमने उसको बंदी बना लिया, ठीक है। फिर उसमें पशु और गतिशीलता, अगर जनरली मैं पशु और गतिशीलता की बात करूँ, तो यहाँ पर जैसे जो पशु होते थे, गतिशीलता का मतलब होता है कि जो पशु होते थे उनका यूज कहाँ पर है, जैसे पशुओं का सेना में बहुत ज़्यादा यूज होता था, आप सबको पता होगा कि सेना में बहुत ज़्यादा इनका यूज करते थे भाई, कि जैसे राजा जो होते थे, राजा जैसे सेना में हाथियों का यूज करते थे, घोड़ों को यूज करते थे, युद्ध में होता था। दूसरा, माल ढोने के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा यूज होता था, पशुओं का यूज होता अलग अलग कालों में। उसके बाद हम देखेंगे पशु और भोजन, यानी जो पशु हमारे होते थे उनको भोजन के रूप में, खाने पीने के रूप में कितना यूज होता रहा, अलग अलग समय काल में देखोगे तो मनुष्य पहले तो एक प्रकार से शिकार ही था, और उसके बाद भी देखोगे तो शिकार होता रहा, बल्कि पशुओं को खाया जाता रहा, जानवरों को भोजन के रूप में इनका कितना यूज है उसकी बात करेंगे। और साथ में एक चीज़ और भी आपको लिखनी पड़ेगी कि जब जानवरों को खाया जाता था वहाँ पर कई प्रकार की बीमारियाँ भी होती थी। और पशु और भोजन में देखोगे तो आगे चल करके बहुत सारे शासक जैसे अकबर होंगे, रोक लगा देंगे, या देखोगे कि जब यहाँ पर बौद्ध आएंगे तो वहाँ पर पशुओं को लेकर के एक प्रकार से। दूसरा, अशोक का एक सेक्शन आपको लिखने देखने को मिलेगा कि अशोक भी होता है, वो भी पशुओं को एक प्रकार से अहिंसक रहते हैं, यहाँ पर कुछ सेक्शन रहेंगे लिखने के लिए। चौथा जो हेडिंग रहेगी, अगर हम उसे देखें, प्राकृतिक संसाधनों का, जैसे जल का जो प्रकार प्राकृतिक संसाधन जो है उनका उपयोग क्या होता था, तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग है, जैसे भाई मेरे जल का, यानी पानी का कहाँ कहाँ पर यूज है और भूमि का किस प्रकार से यूज होता था, थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहेगा। उसके बाद जो रहेगा व्यापार और उद्योग क्या है, देखो व्यापार और उद्योग किस प्रकार से थे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। चौथे चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट रहेगा जो हम देख रहे हैं, ठीक है। इसमें जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं देखो, देखिए यहाँ से क्या लिखा है, एक मिनट रुकेगा, यहाँ देखो क्या प्राकृतिक आपदा, देखो बाढ़, भूकंप, सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाएं ने आबादी पर दीर्घकालिक, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं होती थी वो बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय कह सकते हो, और मानव की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी, नहीं भैया, आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाओं से हानि होती थी, हेल्थ स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा खतरा, कई सारी प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य को बीमार कर जाती थी, जैसे बाढ़ आ जाती थी, बाढ़ आने से बहुत सारी बीमारी उमारी फैल जाती है, तो इस प्रकार से क्या करती है, खराब करती है। इसके साथ ही अगर देखोगे मौसम में, जैसे भारी वर्षा होने से भी प्राकृतिक आपदा है, या बर्फबारी, नदी के मार्ग में परिवर्तन होने से भी कह सकते हो कि प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता था। ये सारी क्या थी, सारी प्राकृतिक आपदा जो क्या करती थी, मनुष्य को दीर्घकालिक रूप से उसको क्या करती थी, उसको प्रभाव डालती थी, चाहे स्वास्थ्य पर पड़े उसके, या आर्थिक स्थिति पर, या पर्यावरण पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा। जैसे बाढ़ और सूखा, तो देखोगे कि बाढ़ और अगर हम सूखे की बात करें, तो ज़्यादातर जो हमारी निर्भरता रही वह क्या थी, पानी पर रही, लेकिन क्या होता था, वह वर्षा के जल पर बहुत ज़्यादा रहते, लेकिन कई बार क्या होता, जब पानी बरसता नहीं था तो क्या होता था, सूखा पड़ जाता था। आपको पता होगा कि हमारी जो निर्भरता शुरू में थी क्या थी, वर्षा के जल पर थी, लेकिन जब पानी बरसा नहीं तो क्या होता था भाई मेरे, सूखा पड़ जाता था, ठीक है। और सूखा पड़ जाने से क्या होता था कि खेती हो नहीं पाती थी, और खेती होने से नहीं अकाल वकाल की समस्या बहुत ज़्यादा पड़ती थी। वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई, अलग अलग शासनकाल में देखेंगे तो हर शासनकाल में लगभग अकाल एक ऐसा शब्द था, सूखा पड़ना, सूखे से अकाल पड़ना, लगभग दिल्ली सल्तनत में, मुगल काल में, और जितने भी हड़प्पा सभ्यता, जितने भी हम कालों को पढ़ेंगे, सभी टाइम पीरियड में अकाल पड़ता। रीजन क्या रहता है कि अकाल क्यों पड़ रहे थे,
खाने पीने की चीज़ें कम, क्योंकि क्या होता वर्षा टाइम से होती नहीं थी, और जब पानी नहीं बरसेगा टाइम से क्या होता खाद्यान्न जो वस्तुएं थी, खाने पीने की जो वस्तुएं होती थी उनकी कमी हो जाती थी, और ऐसी स्थिति में क्या होती है कि अकाल एक बड़ी समस्या बनती थी। तो इसको आप थोड़ा बहुत हेडिंग डाल करके लिख देना, इसमें तो सारी चीज़ें मैंने एक बार पढ़ा ही रखी हैं। भूकंप अगर आप देखोगे तो भूकंप भी अगर क्या है एक प्राकृतिक समस्याओं में आपको लिखना पड़ेगा, ये भी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, देखो मध्यकालीन लेखन ने भारत के विभिन्न हिस्सों में गुजरात, असम, कश्मीर, दिल्ली क्षेत्र आदि में भूकंप की घटनाओं को दर्ज किया है। भूकंप के परिणाम स्वरूप क्या होती थी आबादी, मानव बस्तियां व शहरों का विनाश तथा नदी प्रवाह में क्या हमें परिवर्तन देखो कि भूकंप आने से भी क्या होता था कि मानव बस्तियों पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता था। ठीक है, शहरों पर शहरों का विनाश हो जाता है। भूकंप का भी यहाँ पर जैसे बाबर आता तो बाबर क्या बताता काबुल में जिस प्रकार से 1505 में भूकंप आया था और बताता है उसका वर्णन भारत तक आया था, तो भूकंप भी एक प्रकार था। निकोलो मनोची जो है वो भी अपने बुक में गुजरात में 1699 में जो भूकंप आया था उसका जिक्र करता है। तो भूकंप भी है भारी वर्षा और हिमपात। ठीक है, किसानों की सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण कारक वर्षा थी, अच्छे उत्पादन के लिए इनका समय पर आगमन महत्वपूर्ण, यानी वर्षा देखो कि जो किसान था खेती करने के लिए पूरी तरीके से क्या है वर्षा पर डिपेंड है, और जब वर्षा का आगमन नहीं वर्षा नहीं आएगी तो क्या होगी उत्पादन अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कैरोलिन मारिन ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में मानसून की बारिश के माध्यम से कृषि का विस्तार पर प्रकाश डाला है। हालांकि भारी बारिश केवल दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को रोका करती थी बल्कि कुछ गंभीर समस्या, यानी जब वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती थी तो बहुत बड़ी समस्या थी, भारी वर्षा होने से काफ़ी समस्या होती थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने संस्मरण में बताता है कि जब वह बरसात के मौसम में मांडू का दौरा कर रहा था उसके शाही जलूसों को समस्या का सामना करना पड़ा, इस तरह खराब मौसम में शिकार के लिए नहीं जा सकते थे। कहते कि जो भारी वर्षा होती जो हिमपात होता था कई बार इसमें युद्ध लड़ने में कृषि करने में और कई बार जैसे युद्ध के अभियान हो वहाँ पर भी क्या होता था समस्या का सामना करता, इससे क्या ये सारी क्या थी प्राकृतिक आपदाएं आती थी। प्राकृतिक आपदाएं जैसे हम जैसे देखें वन और जीव क्या है, देखो प्राचीन काल में से मनुष्य क्या करता था वनस्पतियों और जीवों के खिलाफ संघर्ष, यानी मनुष्य क्या एक संघर्ष रहा। ठीक है, पहले क्या करते थे हम शिकार करते थे, लंबे समय तक क्या मनुष्य शिकारी के रूप में जानवरों को भोजन के रूप में, लेकिन क्या होता कि वनस्पति फिर उन्होंने जानवरों को क्या पालतू बनाया, उनको नियंत्रण में ला गया, तब उन्हें क्या होता इन्हीं गुणों की दिशा में परिवर्तन है। देखो पहले क्या होता कि हम लोग क्या करते हैं जीवों की, अगर मैं वनस्पतियों की बात करूँ तो वनस्पतियों की लंबे समय तक कटाई रही वनों काटा, लेकिन क्या होती जो वनस्पति होती वो जड़ी बूटी बनाने में या उनकी लकड़ियाँ होती ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे, यानी जीव के आधार पर आप सब कह सकते हैं वन्य जीव को हम शिकारी संग्रह के रूप में शिकारी करते समय इंसान जो था लंबे समय तक पशुओं का लोग हम शिकार करते रहे, लेकिन उसके बाद क्या कि जब हमने पशुओं को पालना शुरू किया जैसे बोलते हैं कि भाई कुत्ता सबसे पहले पाला गया था तो उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन आता कि एक प्रकार से जैसे हमने कुत्ते उसी प्रकार से जब हमने अन्य जीवों को पाला तो एक प्रकार से पशुपालन बढ़ा, और दूसरा पशुओं को पालने से क्या रहा एक प्रकार से क्या रहा कि उसकी आजीविका और सुगम और आसान हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से जो पौधों का यूज होता था उसी प्रकार से क्या उसका जो यूज था वो जो पौधों का यूज था जड़ी बूटी बनाने में जंगलों का बहुत ज़्यादा यूज होने लगा, यही सारी बातें। विदेशी जानवरों का आदान प्रदान भी, यानी कह सकते हैं कि विदेशी जानवरों का भी आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता रहा, जैसे मैं कह सकता हूँ कि एक राजा दूसरे राजा को इनाम में विदेश क्या करता था पौधों का आदान प्रदान या जानवरों का भी आदान प्रदान यहाँ पर होता रहा है। ठीक है, विदेशी जानवरों और पौधे के बारे में राजाओं और अभिजात वर्ग में बहुत उत्सुकता थी, इसका वर्णन शाही इतिहास में यात्रा वृत्तांतों में किया गया है, कुशल चित्रकारों वे चित्रित किए हैं जो राजनयिक उपहार के रूप में भेजे जाते थे, इस तरह के राजनयिक उपहारों को बढ़ावा देने के लिए विशाल प्राकृतिक संसाधनों में शासक की शक्ति और नियंत्रण का प्रदर्शन का प्रयास था। देखो ऐसा होता था कि जो विदेशी जानवर होते पौधे होते इनका एक राजा दूसरे राजा को भेंट करना, दूसरा राजा तीसरे, इस प्रकार से बहुत सारा भेंटें चलती थी, यानी विदेशी जानवरों जो एक एक राज्य से दूसरे राज्य में आते रहते थे उसी प्रकार से पौधों का भी बहुत ज़्यादा आदान प्रदान होता रहा है। ठीक है, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे क्या होता किसका आदान प्रदान रहा, जैसे भाई कबूतर है, कबूतर का कद है, सारस है, या ठीक है तीतर है, टीटर है,
तीतर का, इन सभी का क्या होता था, इन पशुओं इन पक्षियों का कह सकते हैं, इन पशुओं का आदान प्रदान होता रहा है। जैसे आम वाम का भी काफ़ी आदान प्रदान रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे यहाँ पर भेड़ का चित्र बना हुआ है। शिकारी और बंदी जानवरों को, जैसे शिकारी और बंदी जानवरों की पहले हम क्या करते थे, शिकार बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन बाद में क्या होता है, इन्हीं जानवरों को पालना या इनको बंदी बनाने से इनका यूज ज़्यादा बढ़ गया। अब मान लो जैसे शिकार करते जानवर को मार करके खाना यहीं तक था, लेकिन जब उन जानवरों को बंदी बना लिए तो वो अन्य काम में खेती में बहुत मददगार हुए जानवर भी। खेती तो पूरी तरह से कैसे पशुओं पर ही डिपेंड होने लगे आ गए चल करके, खेती में बहुत मददगार हुए जब जानवरों को इंसान ने पालना शुरू किया। ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, वही सारी आप इनको लिख दीजिएगा इसमें। देख अगला क्या है, पशु और गतिशीलता। देखो पशु और गतिशीलता का जनरली मतलब ये होता है कि पशु जो थे वह क्या थे, उनका प्रयोग किस प्रकार से रहा। पहले तो यह कह सकते हो कि भाई सेना में या माल को ढोने में, सेना में पशुओं का बहुत, जैसे हाथी का यूज, घोड़ों का यूज इनका बहुत ज़्यादा सेना में ही हुआ, लड़ाई और युद्धों में। दूसरा पशुओं का काम कर सकते हो, व्यापार में भी इनका बहुत ज़्यादा हो रहा था। नहीं, पशुओं के द्वारा जैसे माल को ढोया जाता था, किसी भी माल को ढोने का जो काम किया जाता था वह पशुओं के द्वारा ही किया जाता था, तो उनको माल को ढोने के लिए क्या होता था, पशुओं का बहुत ज़्यादा प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो उस प्रकार का आप प्रयोग भी देखेंगे, पशुओं को किस प्रकार से उनसे माल को ढोया जाता था, वहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें हैं। फिर जैसे मुगल छावनी में जानवरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो मैंने वही बताया कि जानवरों का बहुत ज़्यादा यूज होता था, सेना में होता था। दूसरा और हर समय मुगल काल में, अगर अन्य कालों में देखोगे तो जानवरों का आयात निर्यात भी काफ़ी होता था। भारत में जैसे देखा जाता कि भाई जो घोड़े होते अच्छी किस्म के नहीं होते थे, बल्कि इनको अन्य जगहों से घोड़ों का आयात लाया जाता था, आते थे, और उनकी बहुत ज़्यादा देख पशु और भोजन के रूप में। अगर पशुओं की बात करें तो भोजन, पशुओं को भोजन के रूप में कितना है, तो वैसे पता होगा पशुओं का भोजन के रूप में तो बहुत ज़्यादा यूज होता रहा है, लेकिन क्या होता है कि मांस खाने का भी है वो बहुत ज़्यादा इसको प्रयोग मिलता है। जैसे लोग क्या खाते थे, जैसे कुछ शासक कुछ राजा ऐसे होते क्या कहते भैया, जैसे कछुआ, भुना हुआ चूहा, इस प्रकार के बहुत सारे लोग खाना पसंद करते थे। डोमिंगो प्याज जो बताता है कि अनुसार क्या है, विजयनगर सामने विभिन्न प्रकार के जैसे जंगली जानवर पक्षी हैं कि इनका क्या होता था, इनका शिकार किया जाता, तो बहुत सस्ते दाम पर क्या होते थे बाजारों में इनको जानवरों को जिंदा बेचा, नहीं पशुओं को खाया कर। वैसे भी देखोगे तो जो मनुष्य था लंबे समय तक वो शिकार के रूप में, लेकिन बाद के शासनकाल में क्या होता था भी पशुओं को मार करके खाना जो था वो काफ़ी आम था। दूसरे अकबर के शासनकाल में देखोगे तो एक प्रकार से गौ वंश पर या कह सकते हो कि पशुओं की बलि पर थोड़ी बहुत रोग लगती है, लेकिन फिर भी पशुओं को खाया जाता रहा है। और जब जहांगीर का शासनकाल, अन्य लोगों का शासनकाल आता है तो वहां भी कुछ दिनों के लिए, जैसे भाई बोला कि भाई उन्होंने रविवार को या संडे को या शुक्रवार को नहीं खाना, या उन्होंने कोई दिन डिसाइड कर दिया। अकबर के शासनकाल में 100 दिनों मांस खाने की मनाही होती थी और कुछ पवित्र दिनों में सभी मांस की बिक्री पर रोक लगा दी जाती थी। अबुल फजल का कहना है मुगल बादशाह अकबर को मांस खाने के प्रति अरुचि हो गई क्योंकि वह लगभग शाकाहारी हो गए। तो जहांगीर जो था भाई गुरुवार को रविवार को मांस नहीं खाता था, इसे कह सकते हैं शिकारी अभियानों के लिए जाता था तो कभी कभी जंगली जानवरों को मारता था और उनका मांस गरीब में बांट देता, तो वो लोग भी बहुत ही कम मांस का सेवन करते थे। यही सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके जैसे हमने इसको लिखा। फिर प्राकृतिक संसाधन का जो यूज होता था, ठीक है, अगला 4.4 क्या है, जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका यूज किस प्रकार से होता रहा। तो प्राकृतिक संसाधन में देखो, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, दोहन ने भौतिक प्रदेश को बदल दिया, ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया, सिंचाई के कृत्रिम संसाधनों ने कृषि विस्तार, यानी कह सकते जो अगर हम बात करें उसमें देखें जो पानी रहा, यानी कह सकते कि प्राकृतिक संसाधनों ने पूरी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को बदल दिया, जो पानी होता था, ठीक है, सिंचाई परियोजना, यानी एक प्रकार से जल का हमने क्या सिंचाई परियोजना बना लिया, बांध बना लिया, या नहरों का निर्माण होता है। शुरू में तो भाई नहरों का निर्माण जिस प्रकार से अकाल पड़ता है, अगर तुगलक शासन काल में जिस प्रकार से अकाल पड़ता है उसके बाद क्या होती नहरें बनाई जाती हैं, तो उसमें फिरोज शाह तुगलक के अकाल के मुद्दे को निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक शासनकाल के दौरान प्रमुख चिंताओं में से एक था। सिंचाई के कृत्रिम साधनों के कुछ क्षेत्रों में खरीफ की फसलों का रबी की फसलें भी साथ, देखो जब प्राकृतिक संसाधन यानी पानी की मात्रा बढ़ती है जो क्या होता है पानी, तो क्या होता है कि भाई खरीफ की रबी की फसलें के साथ साथ खरीफ की फसलें भी होने लग गई थी। जल प्रबंधन में अगर देखोगे तो जल प्रबंधन में अगर आप देखो तो जल का प्रबंधन जो होता अलग, देखो तुगलकों ने क्या नहर बनवाई, नहर की जिस प्रकार से शुरुआत करते नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है,
और नहरों के द्वारा नहरी खुदाई से या नदियों पर बांध बनाने से क्या हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी कृषि में कह सकते हो कि बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो जैसे जल प्रबंधन क्या होता है भाई, कि पानी का प्रबंध कर लेने से क्या होता है कि खेती में एक बड़ा परिवर्तन आता है, उसी प्रकार वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें जैसे जल प्रबंधन में बता रखा, तो आप इसको देख लीजिएगा कैसे बता रखा है थोड़ा जितना है। दूसरा, भूमि का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। भूमि एक प्रकार से कह सकते हो कि भूमियों को ही काट करके भाई क्या होता था, खेत बना लेना। दूसरा, जंगलों को काटना कई बार कठिन होता था, जंगलों को इसलिए भी कई बार साफ किया गया था क्योंकि इसमें जो जैसे चारू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, ये इनकी भाई शरणस्थली बन गया था। इसमें जाकर के क्या करते थे, छुप जाते थे। कई बार जो राजा होता था जब युद्ध होता था तो जंगलों को कटवा करके साफ करवाता था, क्योंकि कई बार जो युद्ध में हारता था जाकर भाई मेरे जंगलों में छुप जाता था। इसलिए कह सकते हो कि भूमि का जो यूज होता था, भूमि में कह सकते हो कि जंगलों को काट करके भूमि का विस्तार भी होता रहा है। ठीक है, या ब्रिटिश काल में देखो कि मध्यकालीन तक जंगलों को एक बाधा के रूप में देखा जाता था, क्योंकि घने जंगलों में लुटेरे, विद्रोही, जंगली जानवरों इनकी क्या थी, एक प्रकार से शरण स्थली बने। लेकिन जंगलों को काटना कठिन काम था, क्योंकि बलवन ने दुआब के जंगलों को काटा और किले का निर्माण, ताकि इस क्षेत्र में मेवाती राजपूत को लूट को रोका जा सके। नहीं कह सकते कि जो राजा थे वो क्या करते थे, जंगलों को इसलिए कटवा रहे थे ताकि जब कोई युद्ध हो तो उसमें जाकर भाई कोई छुप ना सके। यदि भी वनों का उपयोग व्यापार, यानी वनों का जो उपयोग था वह व्यापार के क्षेत्र में, यानी व्यापार में काफ़ी इनका जो था लकड़ियों का व्यापार होता था, जैसे जड़ी बूटियों तथा लकड़ी, गोंद, इनके लिए भी क्या होता था कि वो बहुत ज़्यादा थी, निर्भरता बनी हुई थी। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें चैप्टर नंबर 4 में जितना इम्पोर्टेंट है उतना तो मैंने बता दिया। आप थोड़ा सा बहुत पढ़ लेंगे ना, अगर हम आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा इसमें क्या होता। अगर मैं व्यापार और उद्योग की बात करूँ तो क्या होता था, देखो सूती और रेशमी कपड़ों मुगल बादशाहों के कारखाने थे। इसमें मुख्य रूप से नील जो था इसका मुख्य निर्यात वस्तुओं में से एक था। भारत में अंग्रेजों ने इस काल में जबरदस्त नील की खेती करवाने के सबसे पहले अकबर के शासनकाल में यूरोपीय कंपनी ने नील की खेती के कारण कह सकते कि उद्योग और व्यापार किस प्रकार से होता था। तो ज़्यादातर हम अगर देखोगे तो मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चौथे चैप्टर में अगर आप देखोगे मध्यकाल में किस तरह से व्यापार होता था। ठीक है, तो इसमें उद्योग और व्यापार में जैसे सूती कपड़े का व्यापार होता था, रेशमी कपड़े का यूज होता था, नील की खेती का भी एक सबूत मिलता है जो यहाँ पर काफ़ी हमें देखने को मिलता है। मुगल काल के दौरान एक महत्वपूर्ण आयात किसका, जिसे अफीम का भी आयात होता था। ठीक है, ये बहुत लाभकारी होती थी, अफीम का आयात होने लगा, बल्कि अन्य अफीम का जो आयात होता था कि अफीम क्या होता था कि मुगल काल में लोग भैया अफीम के बहुत ज़्यादा आदि हो जाते हैं, एक प्रकार से नशेड़ी बन जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अफीम का जो सेवन था वो क्या कहते थे लोग करने लग गए थे। ठीक है, अफीम का जो आयात होता था वो अफीम खाने अफीम का सेवन मुगल काल में काफ़ी लोगों ने किया, और यहाँ तक कहा जाता कि अकबर के ऐसे दो बेटे थे जिनका नाम भी क्या है दिनाल और मुराद है। क्या होता था भैया, इनकी मृत्यु हो जाती, इतना इन्होंने अफीम खा लिया था, एक प्रकार से इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्योंकि अबुल फजल बताता है कि अभिजात जो वर्ग था क्या करता था, अफीम की सेवन करता था, यानी अफीम का इसको लत करता था, लेकिन यह मुगल काल में एक अहम निर्यात वस्तु थी, इसके लिए इसके सेवन की प्रथा पर रोक नहीं लगाई जा सकी, यानी मुगल काल में अफीम के सेवन पर। दूसरा क्या है, जैसे तंबाकू भी धूम्रपान की एक लत थी जो बहुत तेजी से लोकप्रिय हुई। यह लत मुगल के दरबार में बीजापुर के आदिलशाहियों के दरबार में मिशनों के माध्यम से पहुंची, तंबाकू पुर्तगालियों के माध्यम से भारत पहुंचा था, यानी जो तंबाकू भारत में आया था कौन लेकर के आया था, पुर्तगाली लेकर के आए थे। जल्दी यह दक्षिण में अधिक लोकप्रिय हो गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश तंबाकू उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन गया, जहां से तंबाकू का निर्यात दक्षिण भारत में और मध्य एशिया कह सकते हैं सुदूर चीज़ों पर होने लगा। तो ये जो सारी चीज़ें आप इनको लिख सकते हैं विथ हेडिंग में, जैसे देखो यहाँ पर जिस प्रकार से राजा क्या कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, यही सारी चीज़ रहेंगी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था वो तो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लगभग चौथा जो चैप्टर है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 क्या आपका रहेगा, इसमें चैप्टर नंबर 5 में क्या है, आरंभिक आधुनिक समाज में पर्यावरणीय मुद्दे। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जितने भी आप सब लोग हैं ना, एक काम करो, जिस भी चैप्टर को पढ़ते हो ना, सबसे पहले ना इसका जो प्रस्तावना वर्ड होता है, जैसे कम समय रहे, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे कम समय है, जैसे मान लो 2 घंटे है, 3 घंटे एग्ज़ाम में या 1 घंटा एग्ज़ाम में, किसी
टॉपिक को पढ़ना है, जैसे मान लो कि तुमको चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है, तो जब कम समय रहता है, जैसे एग्जाम में 1 घंटा बचा है, 2 घंटा बचा है, या कम समय रहता है, इस समय पता क्या पढ़ा करो, इस समय कोई भी चैप्टर खोलोगे ना, जैसे उसमें एक चीज रहेगा, एक शब्द रहता है प्रस्तावना, प्रस्तावना को जरूर पढ़ा करो, और लास्ट में सारांश लिखा रहेगा। नीचे जैसे आओगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक सेक्शन लिखा रहता है, सारांश नहीं, यहाँ पर लिखा है, इसमें इसी की बुक का मैं बता देता हूँ, इसमें लिखा रहेगा नीचे सारांश, यानी क्या रहेगा, सारांश और प्रस्तावना। देखो किसी भी सब्जेक्ट को अगर मैंने मान लो कि समय बहुत कम है, जैसे 5-6 चैप्टर हैं और हम किसी एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे समय में प्रस्तावना जरूर पढ़ा करो, और नीचे इसमें इस बुक में सारांश, किसी किसी में इसको बोलते हैं निष्कर्ष, तो सारांश पढ़ने से आपको ये आइडिया हो जाएगा इस चैप्टर में आखिर है क्या। देखो किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो ना, कम समय है तो सारांश पढ़ा जाए और उसकी प्रस्तावना पढ़ा जाए, सारांश और प्रस्तावना पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, और कम से कम आपको उस चैप्टर के बारे में एक आइडिया सा, जर्नली सा एक आइडिया लग जाएगा, भाई इस चैप्टर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो ये आप इसको जरूर पढ़ के जाया करो, ठीक है, जो चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वैसे मैं चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, चैप्टर नंबर, देखो चैप्टर नंबर जो 5 है ना, उस चैप्टर नंबर 5 क्या है, प्रारंभिक आधुनिक समाज में, यानी आधुनिक समाज में पर्यावरणीय मुद्दे क्या हैं। तो आधुनिक समाज में जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, तो सबसे पहले वन को लेकर के है भाई, वन को लेकर के एक पर्यावरण का मुद्दा जरूर बना था, वनों को लेकर के। दूसरा वन्य जीव को लेकर के, जीवों को लेकर के है, ठीक है। दूसरा प्रकार का बोलिए, बता रहा हूँ इस चैप्टर में क्या है, जैसे पूछ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन क्या है, आधुनिक समाज, आधुनिक समाज का मतलब है कि यहाँ पर जब मुगल काल था, और विशेषकर जब यहाँ पर क्या था, जब अंग्रेजों का शासन काल था, ठीक है, जिनको हम उपनिवेशिक काल में, विशेषकर अगर देखोगे उपनिवेशिक, क्योंकि आधुनिक समाज वही है, उपनिवेशिक काल में कौन कौन से पर्यावरण के इशू थे और कौन से पर्यावरण के मुद्दे थे, तो उसमें पहले जैसे वनों को लेकर के भाई, वनों और जंगलों, ये हेडिंग बनेगी, फिर जीवों को लेकर के, फिर जैसे अकाल था, बहुत सारी रोग और महामारियाँ थी, जल संसाधन है, ये कुछ पॉइंट रहेंगे इसमें। चलिए कुछ देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। देखो प्रारंभिक आधुनिक काल में वन और वनिकी क्या, देखो इतिहास में वन और वन्य उत्पाद बहुत बहुमूल्य हैं। देखो इतिहास में अगर देखोगे, जो वन है और वन्य उत्पाद, यानी वन्य से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो बहुत बहुमूल्य होते थे, सदैव मान, अतः सभ्यताओं के संपूर्ण इतिहास में राज्य ने इन संसाधनों पर विभिन्न क्षमताओं का दान, यानी कह सकते हैं कि आधुनिक समाज में क्या होता था कि जो वन होते थे और जो वनों से जो बहुमूल्य चीज़ें मिलती थी उन पर राज्य एक प्रकार से क्या करता, भैया अपना दावा करता था। देखो पहले तो राज्य का दावा नहीं था, लेकिन जब से राज्य की स्थापना होती है, यानी जो राजा होता था, स्टेट जो होता था, वो क्या करता था, अपना उस पर दावा ठोकते थे, जो राजस्व वृद्धि के लिए, यानी कह सकते हो कि जो वन होते थे भैया राजस्व वृद्धि, यानी बहुत व्यापार की दृष्टि से, राजस्व यानी पैसे बढ़ाने के, यानी राजस्व वृद्धि से यानी पैसे बढ़ाने के लिए होते थे, उसके लिए कुछ चुने तथा उत्पादों के फिर कुछ पौधों की किस्मों तक सीमित थे, उन्होंने वनों की रक्षा कर शिकार स्थलों के, यानी क्या करे, जो राजा राज्य क्या करता था वह शिकार पर उसने कर दिया, शिकार पर उन्होंने क्या कहते, बैन लगा दिया, क्योंकि जो देखो अगर हम वनों की बात करें, अगर हम जीवों की बात करें, तो इस पर एक प्रकार से क्या रहता, स्टेट ने अपना कब्जा कर लिया, यानी किसने कब्जा कर लिया, राज्य ने अपना कब्जा, क्योंकि जैसे मौर्य काल है या दिल्ली मौर्य काल में या गुप्त काल में या हम मुगलों की बात करें, तो मुगल शासक जब आते हैं और बात करेंगे जब यहाँ पर अंग्रेज आते हैं तो क्या करते हैं, वनों को एक प्रकार से सरकारी आरक्षण मिल जाएगा, वनों को जीवों को उनको नहीं मारा जाता, क्योंकि क्या होता है एक प्रकार से राज्य उनका व्यापार करेगा या वहाँ से बहुमूल्य वस्तुएं जैसे भैया लकड़ी वकड़ी ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। ऐसा सुझाया जाता है कि भारत के वन क्षेत्र अतीत में अपने संसाधनों के दोहन के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव से, नहीं वनों का अति पुराने समय क्या भैया कि वनों का बहुत ज़्यादा दोहन हुआ था, क्या होता बहुत दोहन हो रहा था इनको, वनों कटाई पहले का, पहले तो कोई से का पेटेंट तो था नहीं कि भाई किसका जंगल है, सभी लोग वनों का दोहन बहुत काटते। मुगल काल में शासकों एवं भूस्वामी और जमींदारों ने वन क्षेत्र को सीमित रूप से परिनियम किया और राजस्व नीतियों ने जंगल के क्षेत्र को किसी विस्तार को संकुचन में एक निर्णय, देखो जंगलों को काट करके क्या हो रहा था, कृषि योग्य भूमि को भी बढ़ाया जा रहा था, कब मुगल काल में, ठीक है मुगल काल में। कभी कभी शासक उस धन पर अपना दावा करते थे जो कुछ लाभप्रद तथा वन
के वाणिज्यिक थे। उदाहरण के लिए जैसे टीपू सुल्तान ने चंदन के पेड़ों पर अपना हक जाना, यानी कह सकते हो कि जो शासक था, जो राजा था, वह कह सकते हो कि जंगलों पर अपना एक प्रकार से क्या करते थे दावा, क्योंकि कैसे राज्य की जो राज्य का जो राजस्व है यानी स्टेट का जो राजस्व है उसके लिए क्या था ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता था। ठीक है, यहाँ पर उनका उनके लिए इसीलिए क्या होता कि अगर हम जीवों की बात करें, अगर हम जंगलों की बात करें तो एक प्रकार से राज्य जो होता था उसके अंडर में आ जाता है। राजनीतिक शक्तियां आपसी संघर्ष के दौरान सैनिक अभियानों और वनों की कटाई से संबंधित हैं। मूल्यवान संसाधनों के अतिरिक्त वन शत्रु और शक्तियों को कभी कभी असामाजिक तत्वों के यानी जो वन होते थे उसमें कभी ये चार जो डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, इनकी भी क्या होता कभी कभी ये शरण स्थली बने। इसमें क्या होते थे कभी कभी जैसे क्या होते जैसे चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, इनमें छिप जाते थे। और कई बार क्या होता जैसे किसी राजा के साथ युद्ध होता था, अगर कोई राजा हार जाता था, उसकी सेना हार जाती थी, क्या हो जाती थी वो जाकर के जंगलों में छुप जाते थे। इसीलिए क्या होता था कई बार आपको इसी में बुक में पढ़ने को मिलेगा क्या होता कई बार जो शासक होते जब युद्ध होता था तो आसपास के जंगलों को कटवा देते ताकि वो लोग जाकर के जिनको हार का सामना हार रहे हैं वो छिपे ना वहां पर। इस चीज की भी चीजें वहां पर ऐसी भी चीजें वहां पर थी। देखो टीपू सुल्तान या वहीं पर एग्जांपल दे रहे हैं, टीपू सुल्तान ने कुर्गा अभियान के दौरान मार्ग के आसपास के पेड़ों और झाड़ियों को काट दिया और जला दिया गया था। यानी उसने कहा गया सिखों ने भी अपने सैन्य अभियानों के दौरान आंतरिक क्षेत्र के वनों को सफाया कर दिया था। यानी लड़ाइयों के समय जब भी कोई युद्ध युद्ध होता था उस टाइम में भी क्या होता था भाई मेरे इनको साफ कर देते, क्योंकि लोग जो हार जाते थे ना वो जंगलों वंगलों में जाकर के छिप जाता था, इसलिए वनों को लेकर ये सारी क्या है। उसी प्रकार से अगला जो नेक्स्ट सेक्शन, क्योंकि इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट ये तो रहा कि नदियों का लकड़ी, देखो दूसरा क्या है कि जो लकड़ियाँ होती थी इनका भी बहुत ज़्यादा व्यापार में बहुत ज़्यादा यूज होता था। ठीक है, लकड़ियों का क्या होता था व्यापारिक यूज से, दूसरा सेना में लकड़ियों का यूज होता था बल्कि अन्य चीज़ों में क्या होता था लकड़ियों का, यानी जंगलों को काटा जा रहा था, ऐसा नहीं था कि जंगलों को काटा नहीं जाता, जंगलों को फिर भी काटा गया। अलग अलग समय शासन काल में क्या है जंगलों की कटाई लंबे समय तक होती रही है। ठीक है, देखो और जंगलों से जो जड़ी बूटियां प्राप्त होती थी, जो चीज़ें प्राप्त होती थी उनसे दवाई और अन्य चीज़ों को भी क्या होते बनाया जा रहा था। ठीक है, ये इतना रहेगा, इतना जरूर लिख देना, ये सारा मध्यकालीन में आधुनिक इतिहास में लिखोगे, मध्यकालीन में आधुनिक शासन काल में वनों का किस प्रकार से था तो इसको लिखोगे। अंग्रेजी शासन काल में अगर आप देखोगे तो उस समय भी क्या हो गया था कि एक प्रकार से क्या हो गया था जो वन होते थे उनको भी संरक्षण मिल गया था, किसका राज्य का संरक्षण मिल गया था। ठीक है, ऐसे जा करके आप नहीं कर सकते थे, वन्य जीवों को भी संरक्षण मिल गया था इस शासनकाल में अगर आप देखोगे तो ऐसे ही सारी चीज़ें रहेंगी। दुगा वन्य जीव और जीवन इसको क्या बताएगा 5.3 देखते हैं वन्य जीव और महाविनाश के। देखो आधुनिक काल से ही पूर्व वन्य जीव समृद्ध और विविधपूर्ण थे, हालांकि शासकों एक क्रीड़ा के तौर पर शिकार लोकप्रिय था। अगर हम बात करें आधुनिक काल में क्या करें तो आधुनिक काल में क्या हुआ था भैया वन्य जीव बहुत समृद्ध तथा विविध, हालांकि इस समय क्या जो शासक होते थे सिर्फ क्रीड़ा यानी खेल के लिए क्या करते थे जानवरों का शिकार करते थे, यही लोकप्रिय था। वनवासी समुदाय अपनी आजीविका के लिए क्या होते थे अवश्य शिकारों पर निर्भर थे, यानी जो जंगलों में रहते थे वह जरूर शिकार पर क्या करते थे अपना उनकी निर्भर। लेकिन फिर भी औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासकों ने जंगली जानवरों और पक्षियों को शिकार को सीमित कर दिया, यानी कह सकते कि मुगल शासक और क्योंकि यहां पर हम आधुनिक में देख रहे हैं तो क्या जंगलों में शिकार करना एक प्रकार से क्या लगा गया था उस पर प्रतिबंध लगा गया था, भाई आप शिकार नहीं कर सकते हैं, या जो लोग जंगलों में रहते थे वही जंगली जानवरों पर निर्भर थे। पहले जैसे देखो कि पहले भाई पूरी तरीके से जो मानव सभ्यता थी वो पूरी तरीके से जानवरों को शिकार करके खा करके अपना जीवन गुजर कर, लेकिन अब क्या होता है जो आधुनिक काल आता है वहां पर क्या हो जाता है कि जंगली जानवरों को मारना या उनका शिकार करने पर एक प्रकार से क्या होता है बैन लग जाता, उनको संरक्षण मिल जाता, किसका राज्य का संरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात की गई है कि औरंगजेब ने अपनी शक्तिशाली मुगल शासकों ने जंगली जानवरों तथा पक्षियों को शिकार को सीमित कर दिया था, उन्होंने शेरों बाघों के शिकार को एक राजकीय विशेषाधिकार बनाया गया उसके, यानी राज्य यानी कह सकते राजा ही क्या करता था शेर और बाघों का शिकार करता था, आम आदमी थोड़ी कर सकता, नहीं कर सकता भाई। ठीक है, उसके पूर्ववर्ती उत्तराधिकारियों के अंतर्गत यह सुरक्षा प्रभावी नहीं थी, यानी इससे पहले राज्य ने कभी सुरक्षा नहीं दी थी, इसके बावजूद उपनिवेशिक दस्ता
दस्तावेजों से हम पाते हैं कि 19वीं शताब्दी के आरंभ भारत में वन्य जीव इतना समृद्ध था कि अफ्रीका के वन्य जीव से मिल यानी कह सकते हैं 19वीं शताब्दी में क्या होता है कि भारत में जो जीव हैं उनको एक प्रकार से 19वीं शताब्दी में संरक्षण मिल जाएगा, इतना वन्य जीवों का दोहन नहीं हुआ। पहले तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था, उनको खाने के लिए उनका यूज रहा, लेकिन बाद में उनको क्या मिल गया, संरक्षण मिला। वनों का अस्तित्व तथा वन्य जीव दोनों एक दूसरे के अविभाज्य रूप से नहीं कह सकते हैं कि जो वन है और जो वन में रहने वाले जीव हैं एक दूसरे में क्या बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। ठीक है, 1664 में बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी से पूर्व पश्चिम के अंदरूनी क्षेत्रों में विस्तार के क्रम को अपने से दस्तावेजों से वनों तथा वन्यजीव की झलक पाते हैं। यानी कह सकते हैं 1664 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था तो वहाँ पर क्या मिलता है, हमें वन और वन जीवों के कई सारी झलकें मिलते हैं, वहाँ पर उनके बारे में पता चला। देखो, भारतीय वन्यजीव एक मनमोहक विवरण मिलता है जब शिकार क्रीड़ा शुरू हुई। शिकार क्रीड़ा का मतलब होता है कि जब राजा वाजा क्या करते भाई मेरे, जब शिकार करते थे। लेकिन शुरुआती मुगल काल में अगर आप देखोगे मुगलों के आने को कह सकते हैं कि और जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं तब हमारे यहाँ पर कह सकते हो कि किस प्रकार से इन्वायरमेंट को लेकर के यानी कह सकते हैं पर्यावरण में कौन कौन से मुद्दे थे, यानी स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है, परिस्थितियाँ पूरी तरीके से चेंज हुई। अब शिकार करना उस तरह नहीं था, आप उस तरह से शिकार नहीं कर सकते, उस पर क्या बैन लग जाता है। ठीक है, राज्य एक प्रकार से क्या कर लेता है, उन सारी चीज़ों को एक्वायर कर लेगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई, उन्हीं को आप थोड़ा सा देख लेंगे तो आपको पता जाएगा। देखो, शिकार एक क्रीड़ा मात्र नहीं था बल्कि यह अति पौरुष। देखो, कह रहे हैं कि भैया जो जंगल में शिकार करते थे, देखो पहले तो पहले क्या होता था भैया कि जंगलों क्या मनुष्य क्या था, शिकारी संग्रह करता था, मार करके खा लेता। लेकिन अब जो शिकार करना हो गया था ये पौरुष शक्ति यानी पुरुषों के वर्चस्व को बताने का एक प्रकार का हो गया भैया कि जो शिकार करा ना पुरुष, एक प्रकार से पुरुष ही शिकार करते हैं, उनकी शक्ति को दर्शाने के लिए, यानी राजा भैया का शिकार कर रहा कोई किसका, यही बता रहे हैं। क्या करें कि शिकार एक क्रीड़ा नहीं, एक खेल नहीं बल्कि अति पौरुष यानी पुरुषत्व का क्या प्रतीक बन गया था, मान प्रतिष्ठा का प्रतीक बना। ऊंचे मचान से शिकार करने के बजाय जमीन पर पैदल किए गए साहसिक शिकार किए जाते थे। भैया कहीं पर मचान का मतलब समझते हो कि कहीं पर बांस का लगा करके वहां से शिकार नहीं बल्कि राजा महाराजा जो थे शिकार इसलिए करते थे ताकि उनका वर्चस्व मान बने। देखा होगा ना कि हमारे राजा इतना बड़े थे भैया कि शिकार का जंगल में जाकर के शेर का शिकार करते थे, यानी पहले जो पशुओं का शिकार था वह जीवन यापन था भैया, उनको खा करके अपना जीवन बसर कर लेंगे। लेकिन क्या होता आधुनिक समाज में, क्या होता जो पशुओं का शिकार हो गया कि अपनी शान शक्ति मर्यादा तथा पुरुषोत्व यानी शक्ति या मान मर्यादा को दिखाने के प्रतीक बन गए थे। ठीक है, शिकार पूरी तरीके से बदल गया। दूसरा, राज्य ने उसको एक्वायर कर लिया है, आप उस प्रकार से यानी जंगलों की कटाई नहीं हो रही थी और पशुओं का शिकार नहीं होता बल्कि जो शिकार था वह पौरुष शक्ति यानी कह सकते पुरुषों के शक्तिशाली पुरुषों का वर्चस्व, यानी राजा जैसे भाई जंगल का शिकार करे तो राजा की बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता कि हमारा राजा ऐसा है वैसा है, इस प्रकार की चीज़ें हो गई थी। ठीक है, बड़े शिकारों की संख्या अधिक शिकारियों की हैसियत में वृद्धि करते हैं जो उपलब्धि गर्व करते हैं, परिणाम स्वरूप सभी प्रकार के जंगली जानवरों तथा पक्षियों का विनाश हुआ। एक अंग्रेजी अधिकारी के बारे में कहा जाता है कि उसने अकेले ही 300 शेरों का शिकार किया। यहाँ पर क्या होता है, शेर और का शिकार कुछ ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर जैसे बड़े गर्व से कह रहे हैं, यह कह रहा है कि एक अंग्रेजी अधिकारी ने 300 शेरों का शिकार किया। यहाँ पर शेरों का शिकार इसलिए किया जा रहा है कि भाई मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बलशाली हूँ इसके लिए, बल्कि उनको खाने के लिए कम से कम किया जा रहा था इस शासन काल में। ठीक है, जैसे बोला गया कि भैया कि बहुत सारे जंगली जानवरों का शिकार किया जाता है, इससे क्या होता है कि जीवों में एक प्रकार से कमी हो जाएगी, और जब जीवों की कमी हो जाएगी तभी तो अंग्रेज यहाँ पर क्या करते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनते हैं, तभी तो रिजर्व पार्क की स्थापना होती है। कि कह सकते हो कि इतने ज़्यादा जंगली जानवरों का शिकार किया गया कि आगे चल करके वही अंग्रेज शासनकाल में इस देश में क्या था, वन्य जीव अभ्यारण्य कई प्रकार के जीवों को आरक्षित किया जाता है, जैसे इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई। उसी प्रकार के हम देखें स्थानीय परंपराओं में देखोगे जैसे कृषि के कौन कौन से औजार हैं, हस्तशिल्प क्या सामग्रियां थे उनके बारे में, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो क्या होता था धीरे धीरे संसाधनों को संरक्षण मिला, बहुत सारे जो संसाधन उनको संरक्षण मिला और उनके इस्तेमाल पर। राजस्थान का जो बिश्नोई समुदाय था वो पर्यावरण को रुझान के लिए जाना जाता है, यानी बिश्नोई समुदाय ने क्या किया, एक प्रकार से उन्होंने क्या किया, पर्यावरण यानी पेड़ों को कटने पर प्रतिबंध लगाने के लिए काम किया, यानी अब जो हमारा समाज था या जो सोसाइटी थी वह पर्यावरण को बचाने के लिए आगे रहा था। ठीक है, पहले तो भैया कि पर्यावरण का तो खुद ही जंगलों काट रहे थे,
पशुओं का शिकार कर, लेकिन सबसे पहले जो पर्यावरण बचाने के लिए कह सकते जंगलों के कटाई का सबसे पहले वो राजस्थान का बिश्नोई समुदाय था, या इसको बिश्नोई आंदोलन में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कह सकते हो कि एक परिवर्तन आया था कि वहां पर कि पशु या जंगलों की जो कटाई होती उस पर रोक नहीं, यहाँ पर इस समुदाय ने किया गया था आंदोलन किया था, ठीक है, इनको लिख लेना। अगला जो सेक्शन हमारा रहेगा देखिएगा क्या है, अकाल। अकाल भी बहुत ज्यादा पड़ते हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे अकाल पड़े हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया जो हमारी एग्री, देखो भैया ज्यादातर जो निर्भरता थी वर्षा के पानी पर निर्भर थी, लेकिन क्या होता अकाल यहाँ पर इसलिए भी पड़ रहे थे, भयंकर सूखे और अकाल की कई सारी घटनाएं थी। ऐसा नहीं कि अकाल देखोगे मौर्य काल में, गुप्त काल में और हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में अकाल, बल्कि यहाँ पर अगर मुगल काल में और अंग्रेजों के टाइम में देखेंगे तो वहाँ पर भी अकाल एक बहुत बड़ी सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता था, ठीक है, अकाल की बहुत भयंकर भयंकर सूखे पड़ते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर पहला अकाल 1770 में पड़ा था, यानी 1759 और 70, ठीक है, पड़ा। इस 18वीं शताब्दी में सबसे बड़ी त्रासदी माना गया। इस अकाल ने पश्चिम और उत्तरी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के कुछ भागों को क्या कर दिया, उसने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। इससे पहले 1768 में बंगाल तथा बिहार में मानसून के असफल होने के कारण आंशिक रूप से फसल नष्ट थी। यानी ये सारी समस्याएं क्या प्रॉब्लम है, यानी आधुनिक काल में किस प्रकार से पर्यावरण को लेकर के समस्याएं थी, अकाल वाला एक जरूर लिखना, क्योंकि अकाल भी मद्रास में एक प्रकार जिस प्रकार से सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, उसको लिखना, ठीक है। 1783-1784 में 40 अकाल अकेले अवध के क्षेत्र में, पूर्वी पंजाब में और यहाँ पर दिल्ली, राजपूतान और कश्मीर में को अपनी चपेट में, और करीब 1.1 करोड़ 10 लाख लोगों की हो जाती मृत्यु हो जाती। तो अकाल बहुत ज़्यादा पड़ता था, क्योंकि बारिश नहीं, पानी नहीं बरसता था, तो अकाल की एक समस्या बनी हुई थी। तो अकाल एक रहेगा आप समस्या में लिखेंगे। दूसरा, रोग और महामारियां। क्या होता था कि महामारियां रोग भी बहुत ज्यादा फैलते, ठीक है, इस यानी मध्य या आधुनिक काल में क्या हो जाता है कि भैया कि रोग बहुत ज्यादा फैलने लगे। देखो विस्तृत भारतीय महाद्वीप में पर्यावरण विविधताओं से परिपूर्ण था, इसमें विश्व के सबसे उच्चतम पर्वतों को लेकर के विशाल मैदान थे, वनों से लेकर के बंजर भूमि मरुस्थल। देखो यहाँ पर क्या होता है कि रोग बहुत फैलते हैं, महामारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। किस टाइप की महामारियाँ फैलती हैं, कौन कौन सी महामारी, जैसे प्लेग है, ठीक है, चेचक है। देखो जो ऐसा नहीं कि सभी लिखना जरूरी है, ठीक है, कालरा, ठीक है, कालरा भी होता है। देखो प्लेग बहुत बड़ी महामारी थी, प्लेग क्या था, गाँव के गाँव साफ हो जाते थे, चेचक है, मलेरिया, ये विनाशकारी बीमारियां होती थी, ठीक है, और इनका उपचार भी। देखो भारत में प्लेग किस प्रकार फैला था, यानी प्लेग क्या हेडिंग बनाना, ठीक है, प्लेग को लेकर के बना लेना, प्लेग रहेगा, उसके बाद प्लेग मलेरिया, मलेरिया का भी लेकर के बनाए, हेडिंग बता रहा हूँ, प्लेग मलेरिया महामारियों में, प्लेग और मलेरिया बनाने के बाद और कौन सा लिखोगे, ठीक है, जो प्रमुख रहेगी उन्हीं को लिखना भाई, ठीक है, प्लेग है, मलेरिया है, चेचक है, चेचक भारत में बहुत ज़्यादा आम था, ठीक है, चेचक, चेचक जिसे शीतला माता या माता जी निकल रहे थे, इसको बोलते हैं। किस प्रकार की फिर जल संसाधन किस प्रकार से होता था, अगर आप देखोगे आधुनिक काल में जल संसाधन, जैसे जल संसाधन जैसे कुओं में, तालाब में, कुंड में, इनका जल को संसाधन था। तो अंग्रेजों ने जैसे पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई थी और नए नहरों तथा बांध का निर्माण करवाया था। यहाँ पर जल संसाधन क्या था भैया, कुएं में, तालाब में, कुंड में, या क्या होता था, अंग्रेज क्या करते हैं पुरानी नहरों की उन्होंने मरम्मत करवाई थी और नदियों के किनारे क्या बांध का निर्माण, नहरों पर क्या उन्होंने बांध का निर्माण करा था। पंजाब में बारी दुआब में शाहजहाँ के शासनकाल में क्या होता था कि वहाँ पर जैसे रीवा नदी पर बांध बनाया गया था, ठीक है, बाएं तट से क्या लंबी नदी के नहर का निर्माण, क्या होता कि नहर का निर्माण है, बांध का भी निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर से पानी ले जाने के लिए किया गया था। पूर्ववर्ती मुगल काल के दौरान 1774 में शाह नहर नामक एक छोटी सी नहर का ब्यास नदी के तट पर गाँव के साहूकार के निजी प्रयास से किया गया था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में कंपनी राज ने आंतरिक सुल्तान तथा मुगल काल में बनाए गए नहर में प्रयोग करते थे। यानी इसमें क्या रखे गए, जैसे इस पॉइंट में आपको लिखोगे नहरों का निर्माण किस प्रकार से किया गया, ठीक है, जल संसाधन में नहरों का यानी पानी के लिए और इनका खेती में बहुत ज़्यादा यूज हुआ, नहरों का निर्माण तथा बांध का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, रोहिलखंड में। और सर क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जैसे मैं पहले शुरू में लूंगा अगर इस चैप्टर को, तो आधुनिक समाज में पर्यावरण के मुद्दे क्या हैं। आधुनिक समाज का मतलब होता है कि मुगल काल में, ध्यान सुना क्या बोल रहा हूं, कि मुगल काल में, ठीक है, और मुगल काल में और जब यहाँ पर अंग्रेजी शासनकाल चलता है, ठीक है, औपनिवेशिक काल में पर्यावरण के इशू कौन कौन से हैं। तो जैसे क्या लिखोगे, जैसे वन,
ठीक है, वन जीव है, वन और जीव हो गए, फिर क्या अकाल है, रोग है, महामारी है, ठीक है, फिर जल जल संसाधन क्या थे, जल का किस प्रकार से संसाधन, यानी पर्यावरण के इशू क्या है, यानी क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा। क्वेश्चन की मैंने वीडियो भी बना रखी, वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। यानी आधुनिक समाज में, आधुनिक समाज का मतलब होता है कि मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में और अंग्रेजों के शासन काल में कौन कौन से पर्यावरण के मुद्दे रहते हैं, भैया वन है, वन्य जीव हैं, इनको लेकर के। दूसरा, बहुत सारी क्या होती है कि भैया अकाल पड़ता है, बहुत सारी रोग है, महामारी है, जल संसाधन है, ये सारी क्या रहेंगी, आपकी हेडिंग रहेंगी, और उन्हीं हेडिंग को क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 को देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 में कैसी है, देखो, उपनिवेशवाद और पर्यावरण। देखो यहाँ पर बात की जा रही है कि जब हमारे देश में अंग्रेज आते हैं, ठीक है, ठीक है, तो उपनिवेशवाद में पर्यावरण क्या रहा। देखो अंग्रेज जब यहाँ पर करते हैं तो हमारे जंगलों का बहुत ज़्यादा दोहन करेंगे, हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि। यहाँ पर एक शब्द है हरित साम्राज्यवाद। क्या शब्द है? हरित साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कोलोनिज्म, आपको पता। हरित साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि जब हम किसी देश को अपना उपनिवेश बना लेते हैं तो वहाँ के जो संसाधन है उन संसाधनों का क्या करता है, जैसे हमारा देश क्या था भैया, अंग्रेजों का गुलाम था, तो हमारे यहाँ पर जितने भी वन या जितने भी चीज़ें थी, जैसे हमारी एग्रीकल्चर क्या उन्होंने कर दिया, व्यवसायिक कृषि होने लगी, जंगलों को बड़ी संख्या में काटा जाता है, किस लिए काटा जाता है, विस्तार के लिए काटा जाता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फायदे के लिए, जो कह सकते हैं अपने फायदे के लिए अन्य किसी देश के संसाधनों का क्या दोहन किया जा रहा था। अब जैसे हमारे देश में क्या था, अंग्रेज थे, ठीक है, तो अंग्रेज हमारे जैसे जंगल हैं, जंगलों को बड़ी संख्या में काट रहे थे, क्यों काट रहे थे, अपने फायदे के लिए। सम्राट हरित साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का क्या, वो क्या करते, एक प्रकार से वहाँ पर दोहन हो रहा था, उसी को आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई। तो हरित साम्राज्यवाद में आप कह सकते हैं जैसे उपनिवेशवाद था तो उसमें वही सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जैसे इसमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे हम अभी मैं आपको प्रस्तावना दिखाऊंगा तो उसमें आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कहाँ गया इसमें, एक मिनट, जैसे क्या बोल रहे हैं कि जैसे इसमें बताया गया है कि लगभग देखो वैश्विक इतिहास के पिछले 500 वर्षों में पारिस्थितिक परिवर्तन और साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच संबंधों में विस्तार से चर्चा की गई। देखो इसमें पिछले 500 वर्षों में जो पारिस्थितिक परिवर्तन है जिसमें साम्राज्यवादी शक्तियाँ यानी साम्राज्यवादी शक्तियों ने किस प्रकार से कह सकते पर्यावरण में बदलाव किया है। देखो साम्राज्यवाद के आधुनिक संदर्भ में अगर देखेंगे आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए, देखो साम्राज्यवाद जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी वह सिर्फ किसके लिए, आर्थिक, ध्यान रखना, आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए क्या करती थी भैया अपने, देखो जैसे अंग्रेज थे तो अंग्रेज क्या करते थे हमारे देश में अपने आर्थिक लाभ के लिए तथा राजनीतिक लाभ के लिए क्या करते थे, पिछड़े देशों में विकसित पूंजीवादी देशों ने राजनीतिक और सैन्य वर्चस्व के लिए परिभाषित किया, यानी क्या करते हैं हमारे जो संसाधन होते उनका क्या उन्होंने क्या बहुत ज्यादा दोहन किया है। हरित साम्राज्यवाद जो शब्द है इसी को इंगित करता है और कह सकते हो इसी को बताता है। आधुनिक समाज के इतिहासकारों के लिए साम्राज्यवाद शब्द संस्कृति और उपनिवेश की परिस्थितिक के बीच में क्या करता है, असमान संबंधों पर गहरे प्रभाव को संदर्भित करता है। जैसे क्या है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लैटिन अमेरिका तथा यूरोपीय उपनिवेशवाद में केंद्रीय फोकस में यूरोपीय जैसे शहरों में क्या था, खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का क्या दोहन किया गया। देखो क्या होता था कि जो लोग जैसे यूरोप के देशों ने क्या किया कि अपने देश में खाद्यान्न आपूर्ति करवाने के लिए जिन्होंने उनको उपनिवेश बनाया उनका क्या करते थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया भैया दोहन किया, क्या किया उन्होंने उन चीज़ों का, उसका क्या कर, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। जैसे मान लो कि जैसे अंग्रेजों ने भारत को क्या बनाया अपना उपनिवेश, तो हमारे यहाँ पर क्या जंगलों को बहुत ज़्यादा काटते थे, हमारे एग्रीकल्चर खेती को कर दिया उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया था, वाणिज्यिक खेती हमारे देश में होने लग गई थी। यानी इस प्रकार से दोहन अपने फायदे के लिए कह सकते हो कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है सभी का उन्होंने क्या किया, दोहन किया। तो चैप्टर नंबर 8 में जो हरित साम्राज्यवाद है, हरित साम्राज्यवाद यही चीज को बता रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में या उससे पहले भी अगर आप देखोगे जहां पर भी उपनिवेश बनाए गए, जहां पर भी साम्राज्यवादी शक्तियां थी, जिसको भी अपना उपनिवेश बनाती थी उसके संसाधनों का क्या करती थी बहुत ज्यादा, यानी क्या करती थी उनका एक प्रकार से कह सकते हो कि बहुत ज्यादा उनका एक किया गया था, उनका दोहन किया जा रहा था सिर्फ किसके लिए, अपने फायदे के लिए। यूरोपीय उपनिवेशवाद बता रहे हैं क्या, या पूरा इतना क्वेश्चन बता रहे हैं कैसा है?
यही है जो हरित साम्राज्यवाद शब्द है, क्योंकि हरित साम्राज्यवाद इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो नतीजतन क्या होता है, यूरोपीय प्रभुत्व ने उपनिवेश के जैव मंडल के रहन सहन के लिए तरीकों में मौलिक बदलाव किया। यूरोपीय बागान मालिकों, खनिकों तथा उद्यमी ने अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए पूंजी को इन उपनिवेशों में लगाया। उन्होंने उपजाऊ भूमि तथा घने जंगलों, खनिजों, जानवरों तथा पौधे वनस्पतियों के यूरोप के बाजार में बिकने लायक वस्तुओं के रूप में रूपांतरित किया। इन रूपांतरण में प्राकृतिक वातावरण में जबरदस्त प्रभाव पड़ा। जैसे स्थानीय कृषि क्या थी, जैसे स्थानीय कृषि, स्थानीय किसानों की गरीबी थी, भूमि किसानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, नई आजीविका की खोज में श्रमिकों का पलायन होता है। नहीं क्या जो आर्थिक जो साम्राज्यवाद होता है कि भाई आर्थिक साम्राज्यवाद में कह सकते हो कि पूरी तरीके से जो लोग अपना उपनिवेश बनाते थे, जो उनका उपनिवेश, उसके क्या करते थे, उनका बहुत ज़्यादा दोहन किया, और उनके दोहन करने से वहाँ के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, वहाँ के समाज पर क्या करता है, उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वहाँ के जो स्थानीय किसान थे गरीब हो जाएंगे। एक प्रकार से देखोगे जब हमारे देश में कहता अंग्रेज आते हैं, जब हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे, ठीक है, जब वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते तो यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर जो किसान है एक प्रकार से गरीब हो जाएंगे ना, क्या भाई एक प्रकार से जैसे बहुत सारे अस्थायी बंदोबस्त चलाते, एक प्रकार से शोषण रहा। दूसरा भूमिहीन गरीबों की संख्या में उल्लेख, यानी गरीबों की संख्या क्या होगी, लगातार यहाँ पर जो गरीब हैं, गरीबों की संख्या में कहते हैं बहुत ज़्यादा वृद्धि होती, उल्लेखनीय वृद्धि हमें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या देखोगे, नेक्स्ट जो पोर्शन क्या रहेगा, नई आजीविका के लिए श्रमिकों को, यानी जो किसान, जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है, उनको अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन भी करना। अब भाई एक प्रकार से पलायन तो करना पड़ेगा, यानी जब आपके यहां पर आपके क्षेत्र में जंगल की कटाई हो गई, कुछ बचा नहीं हुआ, तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता था। वही देखो कह सकते हो कि हरित साम्राज्यवाद इसने प्रकृति को जबरदस्त समाज पर क्या प्रभाव पड़े, इसको हेडिंग बना बना कर लिख सकते हो। जैसे स्थानीय किसान पूरी तरह गरीब, यानी भाई जब उपनिवेशवादियों ने सारे जंगलों वंगलों काट दिया तो क्या होता, किसान यानी जो किसान था पूरी तरीके से गरीब हो गया। अगर गरीब हो जाएगा कि कुछ बचा ही नहीं, उन्होंने पूरी तरह से सारी चीज़ों को बदल दिया। दूसरा गरीब भूमिहीन गरीब गरीबों की संख्या में उल्लेखनीय, यानी गरीब यानी कह सकते जो गरीब व्यक्ति था उसमें क्या होता बहुत ज़्यादा में वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ एक मिनट रुकिएगा तो आप लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या है कि पारिस्थितिक साम्राज्यवाद क्या है, ठीक है, पारिस्थितिक साम्राज्यवाद, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, पारिस्थितिक साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि किस प्रकार से वन्य जीव हैं, या जो हमारे वन हैं, संसाधन हैं, जीव हैं, एक प्रकार से देखो कह सकते हो कि जैसे हमारे देश में क्या था, अंग्रेज शासन करते थे, लेकिन जब उन्होंने जंगलों को काटा, हमारे जीवों को मारा, शिकार किया, तो हमारे यहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र था वो क्या होगा, पूरी तरीके से क्या हो गया, उथल पुथल हो गया। अब मान लो जैसे उन्होंने जंगलों काट दिए भाई हमारे, तो हमारे यहाँ पर जो वर्षा होती थी नहीं होगी, यानी एक प्रकार से हमारा पर्यावरण पूरी तरीके से बदल गया। पारिस्थितिक साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी देश को अपना कॉलोनी बनाता, साम्राज्य बनाता है, तो वहाँ पर किस प्रकार से वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। तो जब उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का हमारे देश में बहुत ज़्यादा, बल्कि पूरे दुनिया की बात हो रही है, जब साम्राज्यवादियों ने क्या किया, उन्होंने क्या प्राकृतिक संसाधन, तो जहाँ जो इनकी कॉलोनी थी वहाँ का जो वहाँ की जलवायु थी वो पूरी तरीके से बदल, यहाँ की जो पारिस्थितिक तंत्र था वो पूरी तरीके से बदल गया। दूसरा यूरोपीय उपनिवेशवाद और प्राथमिक, देखो यूरोप के लोग जब उपनिवेशवाद बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरी दुनिया में चेंज आता, क्योंकि वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के, क्या कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फायदे के लिए, या कह सकते हैं कि अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए, या वहां पर एक चीज क्या होती थी कि यूरोप में क्या होता, उद्योग लग जाते हैं, और यूरोप में जब उद्योग लग जाते हैं, उद्योग धंधे लग जाते हैं, तो क्या हो जाता है, यूरोप में एक बड़ी चीज होती है कि जिन्होंने अपना उपनिवेश बना रखा, वहां से कच्चे माल के लिए कह सकते हैं, कच्चे माल के लिए क्या करा, वहां के संसाधनों का क्या करेंगे, बहुत ज्यादा दोहन करेंगे। तो हरित साम्राज्यवाद आपको यही शब्द बता रहा, जैसे क्या है कि जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, तो अंग्रेज क्या करते हैं, भैया अंग्रेजों के यहां पर यानी ब्रिटेन में क्या लगे थे, बहुत ज्यादा उद्योग धंधे, तो यहां पर क्या करते थे, कच्चा माल यहीं से ले, जैसे खेती में जैसे नील का उत्पादन करवाया, कपास का, अफीम का, इस प्रकार से जो खाद्य, उन्होंने जो कह सकते कि जो खाद्यान्न फसलों को हटा करके जो यहाँ पर बाजार की फसलें, यानी कह सकते हैं वाणिज्यिक कृषि का जो आया था, वो अपने फायदे लिए। इससे क्या होता कि जहाँ इसका दोहन बहुत ज़्यादा हुआ, तो वही चीज़ें आपको इस चैप्टर में बतानी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे पारिस्थितिक साम्राज्यवाद एक शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा,
देखो पारिस्थितिक साम्राज्यवाद लिखो चाहे आप लिख सकते हो, देखो तो हरित साम्राज्यवाद बोलो चाहे पारिस्थितिक साम्राज्यवाद, दोनों चीजें लगभग एक रहेंगी। यहाँ पर साम्राज्यवाद का मतलब होता है आपको पता कि भाई किसी देश को कब्जा करके वहां पर अपना उपनिवेश बना लें, लेकिन हरित साम्राज्यवाद इस चीज को बताता है कि वहां के संसाधन जो है वहां के नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन जितने हैं उनका दोहन उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए किया, अपने लाभ के लिए किया। अब जैसे अंग्रेज भारत में कृषि का बहुत ज्यादा उन्होंने यूज किया, दूसरा यहाँ के उद्योगों को उन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, दूसरा ब्रिटेन में जो उद्योग धंधे लगे थे वहां के लिए कच्चा माल ला जाने के लिए कर देते हैं, पेड़ों को काटते हैं, खेती का पूरी तरह वाणिज्यकरण हो गया, यहाँ की चीजों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, दूसरा जंगलों की बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई की जाती है, या कह सकते यहाँ के जितने भी संसाधन थे उनका उन्होंने क्या किया प्रकार से दोहन किया, और दोहन करने का यहाँ पर परिणाम क्या निकला कि दोहन करने का परिणाम होगा जब ये यहां पर बताया गया है, जैसे इसी में देखोगे प्रस्तावना में ही कई सारी चीजें बताई गई, तो वही मैं बोला कि प्रस्तावना जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो इन सारी क्या आप बना सकते हो, जैसे स्थानीय किसानों में गरीबी आई, भूमिहीन किसानों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, नई आजीविका की खोज में श्रमिकों का पलायन करना पड़ा, नई समुद्रीय मार्गों में व्यापार से तस्करी और व्यापार के मार्ग बने, ये सारे कहेंगे आप इनको हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, इनको हेडिंग बनाकर क्या करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा। देखो पारिस्थितिक साम्राज्यवाद या हरित साम्राज्यवाद शब्द मानव निर्मित पर्यावरणीय परिवर्तन तथा मसलन वर्ग लिंग जाति तथा राष्ट्रीय सहित सामाजिक मतभेदों को प्रस्तुत करता है। जर्मन वैज्ञानिक हल्केल ने पहली बार 1886 में पारिस्थितिक जो शब्द होता था वन्य जीवों की बाहरी दुनिया के लिए उपयोगिता, उनके आवास रीति रिवाज क्षमता तथा परजीवनपन आदि का उल्लेख करने के लिए किया था। पारिस्थितिक शब्द में हमें जीवित प्राणियों तथा उनके आवास के वातावरण के बीच जटिल संबंध को समझने में मदद करता है। 1970 में पर्यावरण इतिहासकार जलवायु स्थलाकृति जानवरों कीड़ों मिट्टी तथा वनस्पति के समाज तथा अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण कारकों के रूप में विचार करना शुरू किया। यह इतिहास में गढ़ने से इसे एक दिशा प्रदान करने में राजनीतिक घटनाओं की प्रमुख में से क्या था एक देखो पारिस्थितिक साम्राज्यवाद जटिल इतिहास को समझना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर एक और पूरी दुनिया प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल के कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन जैसे जल निकाय वन पहाड़ी खनिज और उपजाऊ मिट्टी का दोहन करने लगी और समकालीन पूंजीवादी देश अपने फायदे के लिए तीसरी दुनिया के उपनिवेश बनाकर वहां के खनिज संपदों को हथियाने लगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। यहां पर क्या करें इसको देखो, इस सेक्शन को देखो, देखो क्या कर रहे हैं कि पारिस्थितिक साम्राज्यवाद क्या जट की समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक और जहां दुनिया के क्या जो जिन लोगों ने पारिस्थितिक साम्राज्यवाद में क्या जैसे जल निकाय है जल के संसाधनों का दोहन हुआ, वनों का दोहन किया, पहाड़ियों का, खनिजों का, उपजाऊ मिट्टी का, इनका दोहन करने लगे, और समकालीन जो पूंजीवादी जिन्होंने अपना उपनिवेश बनाया इन्होंने अपने फायदे के लिए जो उपनिवेशी जिनको उपनिवेश बनाया था वहां के खनिज संसाधनों को क्या करने लिए वो लोग हथियाने लगे। राष्ट्रीय आपदा के असमान वितरण के वर्ग राष्ट्रीयता तथा जातीयता लिंग के आधार पर सामाजिक असमानताएं उभरी। ठीक है, जहां भाई की जिन देशों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा तो वहां पर क्या होगी असमानता आएगी ना, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, दूसरा कह सकते हैं कि जो किसान होगा उनकी आजीविका पर खतरा बनेगा। तो एक प्रकार से यहां कर सकते हैं कि वो अपने फायदे के लिए वहां पर खनिजों का, संसाधनों का, वनों का, जल संसाधनों का एक प्रकार से उन्होंने क्या किया ज्यादा से ज्यादा दोहन किया ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, और उनको वहां उसका परिणाम क्या निकलता है परिणाम में आप ये लिख सकते हैं, परिणाम क्या निकला इस हेडिंग को लिख सकते हैं सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। तो जो भी कुछ आएगा आप इसी से रिलेट करके 8वें चैप्टर को लिख सकते हैं। ठीक है, हेलो, समझ में आया। ई बुक में आपका चैप्टर नंबर 1 है शायद भारतीय दर्शन में, भारतीय दर्शन की बात की भाई, जैसे भारतीय दर्शन में झीलें क्या हैं, भारतीय दर्शन में जल क्या है, भारतीय दर्शन में वन, देखो दर्शन का जो शब्द है दर्शन का मतलब होता है कि वनों को हमारी सभ्यता संस्कृति में क्या कितना पवित्र माना गया है। वैसे भी पढ़ोगे हिंदू समाज में, क्योंकि उस चैप्टर को मुझे खोलना पड़ेगा, वैसे मैं समझा रहा हूँ, चलो मैं ओपन ही कर लेता हूँ। ठीक है, देखोगे क्या जैसे चैप्टर नंबर देखो सबसे पहले बता चैप्टर नंबर 6 में है क्या, चैप्टर नंबर 6 की ये बात करता है कि भारतीय दर्शन, देखो दर्शन का मतलब होता है कि हमारी सभ्यता संस्कृति, ध्यान सुनो समझ लो, एक ही
हमारी जो सभ्यता संस्कृति है कह सकते हैं, पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनमें वनों का महत्व क्या बताया गया है। भैया जल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, पानी को हमने एक प्रकार से पवित्र माना, जल माना है। हमारे देश में भैया नदियों की पूजा हुई है, बल्कि माना जाता है कि जो गंगा जी हैं वो दूसरा उसी प्रकार से झीलें हैं जानवरों, और एक प्रकार से इनका महत्व क्यों है, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है। इसलिए मैं ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, जैसे भारतीय दर्शन में वन क्या है, भारतीय दर्शन में जल क्या है, झीलें क्या है, तो उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा देख, क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है, तो कम से कम मान लो अगर बाई चांस अगर 20 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन बन गया तो आप, क्योंकि हमें पांच, आपको तो पांच ही करना पड़ेगा एग्जाम में ना, तो पांच उसी के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें मैं एक चीज बता देता हूं कि प्रस्तावना जरूर पढ़ लो, प्रस्तावना पढ़ लेना और लास्ट का सारांश जरूर पढ़ लेना, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला है वह वन को करके भारतीय दर्शन में, वन भारतीय दर्शन में अगर बाय चांस आ गया, देखो भारतीय दर्शन में अगर हम वनों की बात करें तो जैसे बोला गया है कि वनों में क्या क्या, कि हमारे भारतीय दर्शन में देखोगे वेदों में वनों का महत्व बहुत है। वेद क्या होता है, जैसे वेद में कहता भैया जैसे ऋषि मुनि होते थे उनके आवास माना जाता, जहां पर राजकुमार या दुनिया भर के लोग क्या करते थे, यानी यहां पर तप किए जाते थे, यानी वनों का जो महत्व है हमारी वेदों पुराणों में तथा हमारे धर्म ग्रंथों में वेदों का महत्व बहुत ज्यादा है। बल्कि हमारे यहां पर जैसे अगर आप देखोगे जैसे कि भैया तुलसी का पौधे की बात करें, उसको पवित्र माना जाता है, उसको जल जाए, जैसे बरगद, बरगद का पेड़ है, पीपल के पेड़ को हमारे अगर देखोगे हिंदू मान्यताओं में जिस तरह से भारतीय दर्शन का मतलब हमारे धर्म शास्त्रों में किस प्रकार से उसको पवित्र माना गया, तो भारतीय दर्शन में अगर वनों की बात करेंगे तो इसको जरूर करें। जैसे क्या है, वन जो है, जंगल जो है, जैसे हमें जड़ी बूटी और झाड़ियां जानवरों का निवास स्थान है, तो हमारे देखो श्री वन के जंगलों के देखो जो जंगल है वो मंदिरों से भी काफी जुड़े हैं, यानी हमारे धर्म में अगर देखोगे तो जंगलों का जो महत्व है, पेड़ों का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। क्या है, उसी प्रकार से भाई पेड़ों का जो जैसे ऋषि मुनि क्या करते थे वहीं पर जाकर करते थे, दूसरा वन जैसे हमने पीपल का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, इनकी पूजा भी की जाती है, की जाती है ना भाई, तुलसी उलसी पेड़ की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, तो इनका महत्व क्या है, वही सारी चीजें आपको इसमें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरा क्या, ऐसे बहुत सारे उपवन, जैसे वैदिक काल में देखोगे तो सभी क्या होता था, वनों की पूजा या इनको पवित्र माना गया, वनस्पतियों के संरक्षण तथा जल संसाधन के संचय के, तो ये सारी चीजें, जैसे इस पर हमारे देश में वनों का विवरण क्या, हर राज्य में कितने वन हैं, जैसे यहाँ पर कुछ देखो किस राज्य में कितने वन हैं, इसको लेकर के आप राज्यों के अकॉर्डिंग लिख सकते, ऊपर नीचे हो सकता टीचर, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है चेकिंग करते समय इतना नहीं मैच किया जाता भैया कहाँ पर कितने, बट आपको आइडिया होने चाहिए किस राज्य में कितने जंगल हैं, कितने वन हैं, थोड़ा बहुत सबसे ज़्यादा कहाँ पर, सब काउंटिंग में थोड़ा मान लो कि जैसे तुम लिख रहे हो बिहार में लिख रहे हो 40 लिख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग चल, लेकिन कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर सबसे कम है, वनों वाला एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, वन जरूर कर लें भारतीय वर्षन में वन, और फिर भारतीय दर्शन में जल, देखो जल का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, जल का भारतीय दर्शन में कह सकते हो कि पानी का बहुत ज़्यादा महत्व है, जल का बहुत ज़्यादा, आप देखोगे कि हमारे भारतीय दर्शन में पानी को भी जल देवता माना गया है, उसी प्रकार से भारतीय, दूसरा हमारे कोई भी धार्मिक स्थल होंगे, मंदिर होगा वहाँ पर एक कोई सरोवर जरूर होगा, यानी सरोवर जरूर होता है, ठीक है, कोई तालाब होता है जहाँ पर लोग स्नान करते हैं, तो हमारे दर्शन में देखोगे तो पानी यानी नदियों का भी अगर देखोगे तो झील जब आएगी तो उसमें भी देखेंगे, लेकिन जल का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्या है, जल का किस प्रकार से महत्व अगर देखोगे भारतीय दर्शन में जल, तो जल वाला भी आपको जैसे जल में इंद्र देवता को, जैसे वर्षा के देवता को इंद्र को माना जाता है, तो हम जिस प्रकार से उपलब्धि माना गया वेद पुराणों में, जिस प्रकार से देखो जैसे शिव के घुंघरालों बालों से देखोगे गंगा का प्रवास हुआ है, तो गंगा को हम इतनी पवित्र मानते हैं, यमुनोत्री से निकली हुई है, तो पवित्रता यानी उनको कितना हमने पवित्र माना है, किस प्रकार से जिन स्थानों पर नदियों के पहुँचने में फल रह जाती वहाँ पर लोग कुओं पर निर्भर रहते थे, जो पृथ्वी की सतह से नीचे जल, तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, जल वाला जरूर रहेगा, इसको जरूर करके जाना है। दूसरा इसी में एक रहेगा भारतीय दर्शन में झीलें, तो झीलों का भी महत्व बहुत ज़्यादा, जो जैसे झील है, तालाब है, कुआं है, सरोवर है, ये भी बहुत ज़्यादा पवित्र है, भारतीय दर्शन में झीलों को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, इसको देखो एक एक जरूर करके जाना, जो मैं लेकिन इसमें जितने हैं, ठीक है, जैसे झील है तो झील होगा, भारतीय दर्शन में पौधे और जानवर, पौधे और जानवर को समझते हो कि हमारे यहाँ पर पौधों का भी बहुत ज़्यादा पूजा हुई, जानवरों की भी हमारी पूजा होती थी, तो हमारे वेद और पुराण में किस प्रकार से पौधे और जानवरों को दिया गया, तो देखो
अगर क्या पता जैसे अगर चैप्टर नंबर 6 के अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखने में क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इस चैप्टर को आपको जरूर करके जाना, चैप्टर नंबर जो 6 का है इसको जरूर कर लेना इसमें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 में देखो यही चीज़, मैं एक चीज़ मैंने आपको बोला है कि क्या करना है इसमें जो है सारांश में, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा नहीं है लेकिन भारतीय दर्शन जरूर चैप्टर कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मान लो बाई चांस अगर एक क्वेश्चन आता है तो 20 नंबर आपका यहीं से बन जाएगा। शुरुआती चैप्टर मैंने बता दिए, सारे के सारे चैप्टर मैंने आपको बता दिए हैं, लास्ट के चैप्टर क्या थोड़े से क्या आसान से चैप्टर हैं। तो इसलिए मैंने जैसे एक चैप्टर हरित साम्राज्यवाद वाला बता दिया है वो थोड़ा था। दूसरा अगर देखोगे लिंग और पर्यावरण को लेकर के जो बात की, लिंग और पर्यावरण में कह सकते हो कि पर्यावरण में महिलाओं की भूमिका क्या है, जेंडर क्या है, नहीं कह सकते कि हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है उसमें महिला दृष्टिकोण क्या है, महिलाओं की भूमिका। ये चैप्टर नंबर जो 11 है लिंग और पर्यावरण वाला जो चैप्टर है उसमें इस प्रकार की बातें कहेंगे कि महिलाओं को लेकर के इस प्रकार की बातें कहेंगे, वो पर्यावरण में किस प्रकार से। जैसे बहुत सारे देखो एक प्रकार देखोगे ना, जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे जैसे वनों की कटाई होती है तो वहाँ के आसपास के लोग क्या होते हैं, उनकी वनों पर निर्भरता, इसलिए आंदोलन करते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज में देखोगे महिलाएं क्या घर में खाना बनाती हैं, ठीक है, खाना किससे बनता था, लकड़ी से बनता, लकड़ी कहाँ से आती, जंगल से आती। इसलिए कह सकते हो कि पर्यावरण में भी महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है, जितने भी पर्यावरण आंदोलन उसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो इसलिए लिंग और पर्यावरण का जो चैप्टर रहेगा यानी जेंडर और पर्यावरण को लेकर के आपको बताना, उस चैप्टर को अगर आप प्रस्तावना पढ़ लोगे, अगर उसका निष्कर्ष पढ़ लोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाती है लिंग और पर्यावरण वाला शब्द क्या है। दूसरा बारहवां जो चैप्टर है, बारहवां अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो उसमें कई सारे आंदोलन है, जिसमें बैष्णवी आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, कुछ मोमेंट है जो पर्यावरण को लेकर इन्वायरमेंट को लेकर के हुए हैं। दूसरा इन्वायरमेंट को लेकर यानी पर्यावरण को बचाने को लेकर के कौन कौन सी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थान है, जैसे यूनाइटेड नेशन है और हमारे भारत सरकार भी बहुत सारे काम कर रही है और कई सारे गैर सरकारी संस्थान होते हैं वो भी क्या करते हैं तमाम चीज़ों को कर रहे हैं। तो बारहवां चैप्टर हो गया, ग्यारहवां चैप्टर हो गया, ये सारे थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं इनको भी कर लीजिएगा। तो झीलों वाला जैसे बना दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा तो मैंने बता दिया, छठा ये तो मैं बता ही रहा हूँ, तो दसवां भी मैंने आपको पारिस्थितिक तंत्र वाला बता दिया, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको जरूर एक शायद चैप्टर नंबर 8 किसी ने बोला था उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। बारहवें चैप्टर में क्या है, बारहवें चैप्टर में अगर आप देखोगे पर्यावरण आंदोलन को दिशा प्रदान करने में संयुक्त राष्ट्र संघ गैर कर इनकी भूमिका क्या है, इसमें कुछ जो आंदोलन है वो तो देखो ना सिविल सोसाइटी यानी जैसे एक शब्द है इसमें क्या दिया गया है सिविल सोसाइटी और पर्यावरण। देखो जो हमारी सिविल सोसाइटी है यानी सिविल सोसाइटी एक प्रकार से कह सकते हो जितने भी गैर सरकारी संगठन है उनको कह सकते हैं कि पर्यावरण बचाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जितने भी पर्यावरण लेकर के इस देश में आंदोलन हुए हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका हमें क्या करती है देखने को मिलती है, ठीक है। पर्यावरण के जितने भी आंदोलन हुए हैं उनमें बड़ी भूमिका है। तो उसमें जैसे कुछ आंदोलनों को देख लेते हैं, जैसे क्या है इसमें एक शब्द ये रहेगा कि जैसे देखोगे क्या है इन्होंने दिया है, कहाँ गया बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक जो एग्जांपल दे रखा है इसको तो मैंने वैसे ही बता था। सिविल सोसाइटी क्या करते हैं, सिविल सोसाइटी एक प्रकार से कह सकती है कि जितने भी पर्यावरण को लेकर के आंदोलन उसमें एक बड़ी भूमिका है। देखो भाई सरकारी जब मान लो कि जैसे हमारी सरकार है, हमारी सरकार ही अगर कोई योजना को लेकर के आती है, ठीक है, और वहाँ पर किसी प्रकार से जंगल की कटाई होती है या वनों का दोहन होता है या लोगों का विस्तार होता है, नदी पर अगर कोई बांध बनता है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वह आंदोलित होते हैं और उन लोगों को सपोर्ट जो करता है जितनी भी सिविल सोसाइटी हैं या जो कह सकते हैं कि जो हमारे नागरिक समाज संगठन हैं उनकी बड़ी भूमिका है जितने भी पर्यावरण को लेकर के आंदोलन उनकी। जो सिविल सोसाइटी एनजीओ को लेकर यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, ये जो डायग्राम रहेगा ये पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा आपका जो डायग्राम इन्होंने बना रखा अगर आप बुक में देखोगे बारहवें चैप्टर में जैसे बोला है सिविल सोसाइटी संगठन वातावरण जलवायु परिवर्तन को लेकर के, मानव विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर के, यानी हर चीज़ को लेकर करके क्या करते हैं इनके सिविल सोसाइटी और पर्यावरण आंदोलन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी सिविल सोसाइटी जो होती है उसके जितने भी पर्यावरण को लेकर के आंदोलन उसमें एक उनकी बड़ी भूमिका है, क्या है उनकी एक हमें बड़ी भूमिका देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी सिविल सोसाइटी होती है कि वही इंगेज करती है कि आंदोलन हो या उसमें उसकी भूमिका को आपको बताने पड़ेगा, ठीक है, किस प्रकार की भूमिका रहेगी। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हमारे संगठन है उसमें पर्यावरण को लेकर के कौन कौन से कार्यक्रम हैं, तो पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम बनाए गए जिसमें बहुत सारे जैसे सतत बहुत सारे लक्ष्यों को, इसको तो मैं एक बार पढ़ा भी चुका हूँ, इसमें से जैसे आपने पूछा था उसको हम बता देते हैं, ठीक है।
कहाँ गया? हम बता रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे इसमें कुछ आंदोलन, जैसे क्या है बिश्नोई आंदोलन, इसको देख लेना। क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत में गैर सरकारी संगठन और प्राण आंदोलन। तो जैसे इसमें बिश्नोई आंदोलन है, चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली आंदोलन, ठीक है, साइलेंट वैली आंदोलन रहेगा इनको इसमें, ठीक है, या इसी जो आंदोलन आप लिखना चाहते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ऐसा जरूरी नहीं कि जितने लिख सारे हैं उतना ही लिख देना। आप टिहरी बांध संघर्ष जो है, टिहरी पर जो हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन जो बना था उसको लेकर के यहाँ पर आंदोलन होता है, टिहरी बांध को लेकर के संघर्ष है, ये भी आंदोलन था, ये कुछ आपके आंदोलन है। इन सारे आंदोलनों को क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें जितने भी आंदोलन दिए गए, ठीक है, इसमें अगर मेरी तरफ से पूछोगे तो इसमें जितने भी आंदोलन इन्होंने बता रखे हैं, आप इन सभी को देखो। आपने जो पूछा था ग्रीन पीस आंदोलन, जो ग्रीन पीस आंदोलन, इसको क्या बोलते हैं, हरित शांति आंदोलन, यानी ग्रीन पीस मूवमेंट बोला जाता है, ठीक है। देखो ग्रीन हरित शांति आंदोलन वैश्विक पर्यावरण आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण सफलता की कहानी है, जिसकी शुरुआत कनाडा में लोगों ने, यानी सबसे पहले जो पर्यावरण को लेकर के भैया आंदोलन था वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, कनाडा में हुआ था, कनाडा के लोगों ने किया। यह एक छोटे समूह द्वारा विकसित था, हरा भरा वातावरण बनाए रखने के लिए विश्व के लोगों ने शांतिपूर्वक कार्रवाई के लिए एकतावादी चर्च की स्थापना की। 1971 में कनाडा में शुरू हुई दुनिया के सबसे बड़ी पर्यावरणीय गतिविधियों के निर्माण में संचार मीडिया ने भी, यानी कह सकते हो कि जो मीडिया थी उसने भी इसमें भूमिका निभाई थी, जो दुनिया भर में फैल गया, पर्यावरण आंदोलन के लिए एक प्रमुख शांति बन गई। ग्रीन पीस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसी भी बल का प्रयोग किए बिना कार्य का विरोध करना था। वह हर समय उस जगह पर जाते हैं जहां पर गतिविधियों में पर्यावरण को लेकर हानि करते हैं। वे बेल्स और वेडिंग जैसे जहाज़ों में के बीच खुद के नाव को तैयार करने के उन्हें पर्यावरण के लिए विरुद्ध हैं, और उन्होंने काम किया विरोध करते हैं, उन्होंने ऐसा करने से रोकते हैं। ग्रीन पीस एक प्रचार संगठन, यानी जो ग्रीन पीस आंदोलन है, उस प्रकार से कह सकते हो किसी भी देश में कहीं पर भी प्राकृतिक संसाधनों का अगर दोहन होता है तो वहाँ पर जाकर के यानी ग्रीन पीस का एक प्रकार का प्रचार संगठन है। क्या है भाई? एक प्रकार का प्रचार संगठन है, ये करता है। और ग्रीन पीस को लेकर के भी मैंने बताया था, इसको शायद मैंने वीडियो में बता रखा है। आप देखो महासागरों और समुद्रीय जल प्रयात, यानी समुद्री जल संगठन, यानी महासागरों में जो समुद्रों का जल क्या हो रहा है कि जो समुद्र का जो जल है जो इसमें प्रदूषण हो रहा है उसको लेकर के कह सकते हो ग्रीन पीस आंदोलन लोगों को जागरूक करता है। यानी समुद्र जो महासागर है वो किस प्रकार से जो हमारे जल हैं उनको किस प्रकार से क्या करता है, उनको दूषित हो रहे हैं, उनके संरक्षण की बात करता है। दूसरा, इनके कुछ हेडिंग रहेगी, इसमें हेडिंग लिखनी पड़ेगी, परमाणु खतरे को समाप्त करना। यानी ग्रीन पीस आंदोलन क्या कहता है कि भैया जो परमाणु है इसको खत्म करो, इसको ना बनाओ, ज्यादा से ज्यादा बनाओ, क्योंकि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है और मानव सभ्यता के लिए। इसमें जो ये जो हेडिंग बताई गई, इसको तो बताया भी था मैंने आपको, ठीक है, प्राचीन वनों का संरक्षण किस प्रकार, यानी जो ग्रीन पीस आंदोलन है प्राचीन वनों के संरक्षण की बात करता है। क्या करता है? प्राचीन वनों के संरक्षण, ये सारी हेडिंग हमारे पारिस्थितिक तंत्र में इसने वनों की भूमिका बताता है। जो हमारा जो पूरा प्रासित है वो वनों की भूमिका बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में देखोगे, ठीक है। अगला, जहरीले रसायनों का जखीरा, यानी ग्रीन पीस आंदोलन ये कहता है कि जो जहरीले रसायन हैं उनका जखीरा मत बनाओ, उनको मत बनाओ, क्योंकि क्या है हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक है और मानव के लिए भी क्या है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ये सभी बातों को यहाँ पर बताया गया, ठीक है, तीन ही चीज़ों को। फिर अगला जो यही ये कुछ हेडिंग के साथ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे सुरक्षित और टिकाऊ व्यापार की दिशा में, यानी कहता कि जो व्यापार हो सुरक्षित दिशा में काम करने इसकी बात, इन सारे को आपको क्या करना होगा, हेडिंग बना करके इनको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी ग्रीन पीस जो है एक प्रकार का क्या है ये आंदोलन, ये ग्रीन पीस से कह सकते हो कि एक प्रकार का है प्रचार आंदोलन, ठीक है, वही सारी चीज़ों को क्या करता है ये निखाता है। तो इसमें कुछ हेडिंग बनानी पड़ेगी ग्रीन पीस को लेकर के, ठीक है। तो ग्रीन पीस एक प्रचारक संगठन आंदोलन जो कनाडा में इसकी शुरुआत हुई थी, ये बलपूर्वक नहीं बल्कि अहिंसक रूप से पर्यावरण को लेकर के बचाने की बात करते हैं। तो इसमें जो मैंने हेडिंग बताया उन्हीं को लेकर के आपको क्या हेडिंग बनानी पड़ेगी। तो इसमें जैसे क्या रहेगा, एक चैप्टर है 12.4 क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ या कह सकते हैं इन्होंने अपने पर्यावरण को कार्यक्रम को किस प्रकार समझा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ग्रीन पीस आंदोलन जो रहेगा, ग्रीन पीस आंदोलन को पहले बताओ और फिर ग्रीन पीस जो आंदोलन एक प्रकार का प्रचार संगठन है, और ग्रीन पीस जो आंदोलन है वह किन किन चीज़ों की बात करता है, जैसे रसायनों की बात करता है या संरक्षण की बात करता है, ये सारी जो इसमें पॉइंट दिए गए वो सारी हेडिंग बनाना है और उन्हीं सारी क्या करना है, हेडिंग को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हेलो।